नमस्कार दोस्तों, द ग्रीन पति की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो हम आज जन्माष्टमी के दिन जो यहाँ पर परीक्षितगढ़ में एक टेंपल है, मंदिर है, जिसे गोपेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो गोपेश्वर मंदिर क्या है कि वो शिव का अपना एक मंदिर है, तो उसमें आज आए हुए हैं। पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके का जो उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के उपलक्ष में। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह का उत्सव मनाया जाता है। आप देख लीजिए किस तरह जो है ये एक सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं जो है शिव और पार्वती के रूप में। तो आप देख सकते हैं पूरा। तो आप देख लीजिए जो गोपेश्वर मंदिर है उसमें बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जाता है, तो उसी के चलते हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी देख रहे हैं कि मंदिर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे जो है जो टेंपल को सजाया गया है वो आप वीडियो में मेरे साथ देख सकते हैं। जैसे कि पूरे टेंपल में लाइट लगी हुई है और पूरी चीज़ें जो है एक सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने एक शिव बने हुए हैं, तो वो अपनी जो भूमिका है वो निभा रहे हैं, जो शिव का रोल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा झरना है, नीचे आप देख लीजिए बर्फ की कुछ सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं और ये जो है एक गुफा टाइप की बनाई हुई है। जैसे साइड में दोनों साइड पर्दे लगाए हुए हैं तो एक गुफा टाइप की बनाई हुई है। यहाँ पर क्या है कि एक शिवलिंग बनाई हुई है, ये भी बर्फ से बनी हुई है। ऊपर दो कबूतर भी हैं, यानी कि दो कबूतर इन्होंने बिठाए हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बंदा जो है वो तिलक लगा रहा है सभी को और प्रसाद वितरण कर रहा है। बाकी जो है यहाँ पर कुछ बलून्स वगैरह लगे हुए हैं। सभी को एक साइड से इसमें जाना होता है और सेकंड साइड से निकलना होता है, तो दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हैं वीडियो में मेरे साथ। देखिए हम एक साइड से घुसे थे, अब दूसरी साइड से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मेरे तो पूरे पैर ठंडे हो गए थे, बड़ा ही मतलब बर्फ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये आगे जो है आगे देख लीजिए, ये मंदिर के बैक साइड का पोर्शन है जो इन्होंने ये भी जो है सजाया हुआ है। यहाँ पे कुछ ये रंगोलीज बनाई हुई हैं, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रंगोलीज कैसी बनी हुई हैं। तो ये पूरी रंगोली मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और मंदिर की जो सजावट है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। और जो परीक्षितगढ़ वासी हैं वो भी काफ़ी देखने आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। मैं यहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष आता हूँ, पर अब की बार मुझे कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए भीड़ मिली। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 लिखा हुआ है। और जो है ये एक जो यहाँ पर एक इमली का पेड़ है, बहुत पुराना, महाभारत कालीन है। मैं आपको बता देता हूँ ये मंदिर भी महाभारत कालीन है, पर इसमें कुछ ना कुछ नया काम होता रहता है, कुछ मूर्ति स्थापन या इस तरह की। ये नई मूर्ति स्थापन हुई थी, तो ये राधा कृष्ण की है, वो देख लीजिए आप। तो ये काफ़ी सुंदर जो है लगी। और ये मेन गोपेश्वर मंदिर है, ये शिवलिंग है, शिवलिंग को इन्होंने सजाया हुआ है पूरा। और ये जो है ये जो प्राचीन काल से ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग प्राचीन काल से ही है और ये गोपेश्वर मंदिर है। तो आपने देखा मेरे साथ कि गोपेश्वर मंदिर में क्या क्या हो रहा है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरे वीडियो का आप मजा लीजिए किस तरीके से जो है मंदिर में सभी लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, देखने आए हुए हैं।
दोस्तों ये एक सेकंड गुफा टाइप की बनाई हुई है जो इन्होंने बनाई हुई है, पर्दे वगैरह लगाकर। यहाँ पर जो है कुछ एक शेर खड़ा हुआ है, कुछ पत्थर टाइप के मतलब कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं और सभी उनको जो है उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर नीचे बर्फ़ की सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं और तो सभी लोग इसको भी देख रहे हैं और देख कर एक रास्ते से आना और सेकेंड रास्ते से एग्जिट है इसका, जो निकलने का रास्ता है वो अलग है। और यहाँ पर जो है फिर से देखिए ये शिव जो है अपनी पूरी पोजीशन में खड़े हुए हैं, जो शिव का रूप धारण किए हुए हैं वो उन्होंने भी अच्छी अपनी जो है एक्टिंग की है। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर किस तरह का जो है जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरे बर्फ़ की बनी हुई है जो जिसके ऊपर दो कबूतर भी खड़े हुए थे, मैंने आपको दिखाया था। और देखिए नीचे पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ की सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो इन पर खड़े होना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि नीचे से जो है पूरे पैर ठंडे हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है विज़िट कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और कुछ लोग घूम के जा रहे हैं। अभी हम भी जल्दी से बाहर निकल जाते हैं यहाँ से क्योंकि जो है पूरा ठंडे हो चुके हैं पैर और अभी खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आपको दिखाते हैं आगे की यात्रा। तो ये गोपेश्वर मंदिर जो है मेन मंदिर है, ये शिवलिंग प्राचीन काल से ही है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितने लोग विजिट करने आए हुए हैं, कितनी जो है भीड़ लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये गुफा है, जो गुफा है ये बहुत मतलब ज़मीन से नीचे है और ज़मीन से नीचे होने के कारण इसका रास्ता भी बहुत छोटा है और बहुत इसमें जो है झुक के जाना पड़ता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। दोस्तों अभी हम गुफा में नीचे आ चुके हैं और गुफा में देख रहे हैं हम सामने सबसे पहले कुछ जो है एक तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर जो है दो व्यक्ति जो है ध्यान मुद्रा में है, ध्यान लगा रहे हैं और सामने भी जो है जो आप देख सकते हैं कुछ भगवान हैं, कुछ गुरुजी हैं, उनकी जो है तस्वीर लगी हुई है। और ये बहुत छोटा सा एक कमरा है, ये बड़ा ही छोटा एक कमरा है। इसकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। इस गुफा का एक रास्ता है जो बंद है अभी में और ये जो निकलता है ये गंधारी तालाब पे निकलता है। परीक्षितगढ़ में ये गंधारी तालाब है वहाँ पर निकलता है, वहाँ से होकर ये हस्तनापुर जाता है। तो ये मान्यता है, ये माना जाता है कि कभी गंधारी जो है हस्तनापुर से और परीक्षितगढ़ गंधारी तालाब में नहाने आया करती थी, तो उसको जो है उन्हीं के नाम पर जो है गंधारी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस गुफा के बारे में भी पता चल गया होगा।
अब दोस्तों गोपेश्वर मंदिर से हम बाहर आ चुके हैं। अभी एक पास में ही एक मंदिर है, वो भी काफ़ी जो है अच्छा बना हुआ है और काफ़ी सारी जो है उसमें भी मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो अभी हम उसमें आए हुए हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं वो किस तरह का मंदिर है और किस तरह की उसमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो आप पूरा मेरे साथ इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द ग्रीन पत्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए।